गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अभी जाऊँगी मैं अलीपुर। तो मेरे चाचा के घर पे आज इनवाइट है। मेरे दोनों बुआ कोलकाता से यहाँ पे अभी आए हैं कुछ दिन पहले। तो सारे लोग जो है, हमारे जितने लोग हैं सब अलीपुर में ही रहते हैं। तो भाई बहन मामा मामी सब वहीं पे है। तो सबको मेरे चाचा जी ने इनवाइट किया है। आज उनके घर पे हम सब लोग खाएंगे। तो बुआ से भी मिलेंगे। वैसे तो बुआ, दोनों बुआ काफ़ी दिन हो गए हैं, 1 वीक हो गए हैं यहाँ पे आए हैं कोलकाता से। वो ज़्यादा दिन रुकेंगे नहीं, जाएंगे घर, तो इसीलिए मिलने जाऊंगी। और मेरे दादी की तबीयत अभी भी ऐसे ही है। तो दादी को देखने ही दोनों बुआ कोलकाता से यहाँ पे आई थी, और अभी वो लोग जाएंगे कुछ दिनों में, तो इसीलिए मिलने जा रही हूँ। और सब लोग आज चाचा के घर पे ही खाना खाएंगे, तो इसीलिए वहाँ जा रहे। तो मैं और मेरा छोटा बेटा ही घर से जा रही हूँ, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे क्योंकि उनके कुछ ज़रूरी काम है, तो इसीलिए वहाँ जाएंगे। तो अभी मैं जाके फिर वहाँ पे लॉन्च करूँगी, और उसके बाद फिर घर पे खाना वाना उनके लिए लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखो मेरे पसीना आ रहा है, फ़ैन बंद कर दिया तो इसीलिए। तो चलो चलते वहाँ जाके दिखाऊंगी अलीपुर में जाके। बाहर इतना ज्यादा गर्मी, धूप, परेशान हो गई। यह कौन है? यह टुकी रानी, पसीना पसीना हो गई। ये देखो कलर चल रहा है, कलर। ओ ये देखो कौन है, हमारे अनिश बाबा। अनिश बाबा हाय बोल दो एक बार। हेलो बोल दो, हाय बोल दो, हाय हाय बोल दो। ओ देखो अनिल बाबू आ गया। दादा दादा आ गया। यहाँ पे काका काकी का फोटो लगा हुआ है। देखो ये है मेरा चाचा जी और मेरे चाची। क्या कर रहे हो अनिल बाबा? अनिल बाबा कढ़ाई कढ़ाई के साथ खेल रहा है। यहाँ पे बच्चे पार्टी का मस्ती चल रहा है। घोड़ा घोड़ा देखो, घोड़ा बसो, देखो घोड़ा बसो, वैसे देखो।
चलो घोड़ा चलो 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 ए ए ए देखो मंदिर छोटा सा मंदिर। ये देखो बड़ी बुआ, बड़ी बुआ बना रही है चिकन, ऊपर ही बन रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो इसीलिए इतने सारे लोगों का खाना नीचे तो नहीं बन पाता, तो इसीलिए ऊपर ना छत पे बड़े गैस पे ही बन रहा है। तो चिकन बन रहा है लास्ट में, बाकी सब बन गया है खाना जो है अभी लास्ट में। देखो चिकन में आलू डाल दिया है, ये चिकन में डाल दिया आलू। तो मेरी बड़ी बुआ बना रही है खाना, चिकन बना रही है। और यहाँ पे मेरे बहन बैठ के ना चिकन का मज़ा ले रही है, कटा हुआ चिकन का। ये देखो ये देखो ये देखो, खीरे प्याज खीरे और टमाटर, सलाद काट रही है रीता बैठ के। तो यहाँ पे मेरे तीनों बुआ बैठ के अभी इधर उधर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि बरसों बाद सारे बहनें एक साथ में मिलते हैं ना, तो कितने सारे बातें होते हैं। तो यहाँ पे जो को मेरे चाचा जी भी अभी आ गए हैं, तो सब अभी मिल के इधर उधर की बातें चल रहा है। और जो मेरे दोनों बुआ है ना दिल्ली मतलब कोलकाता से ही आए हैं, दादी से मिलने के मिलने नहीं, मतलब दादी अब ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, तो इसीलिए आखिरी बार देखने आए हैं अपनी माँ को। तो यहाँ पे मेरी जो है वो लाल मिक्सी में जो बुआ है ना, वो बुआ तो दिल्ली में ही रहती है, और बाकी मेरे ये दोनों जो साड़ी में दोनों बुआ कोलकाता में ही रहते। तो ये बहुत दिनों बाद आए हैं अभी। ये बड़ी बुआ तो एक साल पहले ही आई थी, एक बार मम्मी जब आई थी तो मम्मी और बड़ी बुआ आई थी, उसका ब्लॉग भी मैंने दिखाया था। और अभी छोटी बुआ बहुत दिनों बाद आई है। तो यहाँ पे सब मिल के बातें कर रहे हैं, और जो है खाना वाना सब अभी खाएंगे। खाना वाना तो रेडी कर लिया है सब लोगों ने, तो अभी मेरे थोड़ा सा लेट गई थी, बाकी सब लोग अलीपुर में ही रहते हैं, तो सब लोग मिल के बना लिया खाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पाँच छः परिवारों का खाना बना है, तो सब यहीं पर एक चाचा जी के घर पर ही खाएँगे आज। तो यहाँ पर सब बैठ गए, बच्चे पार्टी पहले बैठ गए हैं, और मेरी बहन सबको खाना वाना सर्व कर रही है यहाँ पर, और के पास सब बड़े बैठेंगे खाने में। तो दोपहर के ही टाइम में लास्ट टाइम में ही खा रहे सब लोग। और यहाँ पे देखो इनके बातों में मेरे मामी भी ज्वाइंट कर लिया है अभी, तो मामी आते ही इनका गपशप और ज़्यादा तेज़ हो गया, सब मिल के बातें चल रहा है इतना। और यहाँ पे मेरे मामा बैठे खाना खाने, तो रीता रानी मामा को खाना वाना दे रहे अभी, और यहाँ पे मेरी बहन और रीता और चाची तीनों ही मिल के सबको खाना दे रहे, एक साथ में सब बैठ के खाते। हम तो ऐसे ही चलते हमारे घर में, तो ऐसे ही आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा है, बहुत सारे ब्लॉग में ऐसे ही मैं दिखाते रहती हूँ बीच बीच में, जैसे हमारे फैमिली हम लोग किस तरह से रहते हैं, सब ऐसे ही है। हम एक साथ मिल के हम जब भी करते कुछ पार्टी शार्टी, सब लोग एक ही साथ मिल के करते। और ये पार्टी नहीं था, बस मेरे बुआ लोग आए थे, तो इसीलिए सब चाचा ने ही बोला था कि सब एक साथ में ही यहीं पर ही खाना खा लो, तो इसीलिए हम सब यहीं पे ही खाना करते, कोई पार्टी नहीं था यहाँ पे, बस घर परिवार के ही लोग हैं। और बहुत दिन बाद तीनों बुआ एक साथ हुए ना, तो एक अलग ही बात है। तो सब लोग मिलके हम सब बातें बातें कर रहे थे यहाँ पे, अभी सब जो है बुआ बुआ सब बैठ गए खाने में, और हम भी अभी खाएंगे, तो मेरी बहन में और मेरे चाची लास्ट में खाएंगे। जो पार्टी का सबके खाना हो गया है, और अभी बड़े बैठे हैं सारे यहाँ पे, बच्चे पार्टी खाना खा के आराम फरमा रहे हैं यहाँ पे। देखा हमारे टोपी का है, चावल बासमती चावल, यहाँ पे चिकन है, यहाँ पे माचिस जोल है, ये चिंगड़ी का मलाई करी तो खत्म हो गया, लास्ट में हम लोग रह गए। यहाँ पे मुड़ी बन भी खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, बाकी सब भरा भरा था तो मैं दिखा नहीं पाई हूँ। और अभी सब बैठे हैं यहाँ पे सारे, मेरे बुआ चाचा मामा मामी सब बैठ गए, रीता भी बैठी है, और मेरी बहन मैं और मेरे चाचे हम तीनों रह गए। बहू पहले बैठ गई है खाना खाने, देखो घर की बहू को लास्ट में खाना से पहले बैठ गई है। जी मामी को थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा देना चिकन, मामी ने बड़ा मेहनत करा है।
ना हिंदी में बोलो पिशी कैसे बना? अच्छा बना है। अच्छा बना है, टेस्टी। ये बड़ा झींगा बहुत अच्छा हुआ। काकू झींगे कम हो गया, काकू को दो झींगे और दे ना। तो चाचा के घर में सबका इनवाइट था, तो खाना वाना बहुत ही टेस्टी बना था। सब लोग एक साथ मिलके हम बैठ के खाना वाना खाए, मस्ती किया, और उसके बाद शाम को मैं आ गई थी घर पे। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, सब लोग अच्छे रहिए।